अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी दफ़ा मैंने बहुत सी चीज़ें किटो की बनाई हैं, मटन कोरमा कोफ्ते करके बनाई है, बटर चिकन बनाया है, और हर चीज़ में मैंने आपको बताया है कि मैं इसे कोकोनट रोटी या कोकोनट नान या कीटो नान के साथ सर्व करने लगी हूँ। कीटो नान मैंने आपको सिखाए हैं जो चीज़ के साथ बनते हैं, लेकिन आज मैं आपको कीटो गार्लिक नान सिखा रही हूँ जो कि कोकोनट फ्लोर और आलमंड फ्लोर के मिक्स से बनते हैं। इसमें कोई चीज़ नहीं जाएगी, कोई अंडा नहीं जाएगा। तो इसको बनाने के लिए चलें हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए आधा कप कोकोनट फ्लोर मैंने लिए, क्वार्टर कप मैंने लिए आलमंड फ्लोर, 2 टेबलस्पून मैंने लिए हस्क, ये आपको आराम से किसी भी स्टोर से मिल जाता है, 1 टेबलस्पून मैंने यीस्ट लिया, और अब इसको मैं गर्म पानी में डालूँगी। बिल्कुल सिंपल से नान है और बहुत मज़े के बनते हैं। मैंने पानी गर्म रखा हुआ था, ये जो 1 टेबलस्पून यीस्ट है मैं इसको डालूँगी इसमें। और इसमें थोड़ा सा मैं वार्म वाटर डालूंगी ताकि हमारी यीस्ट जो है वो उसके एजेंट्स जो हैं वो मर भी ना जाएं। बिल्कुल गर्म भी नहीं चाहिए, वार्म वाटर चाहिए। तो चलिए मैं इसमें ये थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि हमारी यीस्ट जो है वो थोड़ी सी राइज हो जाए, और हम इसका वेट करेंगे। जब तक ये राइज होती है हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेते हैं। तो ये गया इसमें कोकोनट फ्लोर आधा कप, क्वार्टर कप आलमंड फ्लोर, ये इसमें हस्क, इसमें 1/4 टीस्पून सॉल्ट जाएगा। इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी। ये देखें हमारी यीस्ट जो है वो अच्छी तरह से राइज हो गई है। अब मैं इसमें डालूंगी ये यीस्ट भी, और इसमें मैं 3 टेबलस्पून डालूंगी ऑयल। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तकरीबन 1 कप जो है ना वो पानी इसमें जाएगा सारे डो में। अगर आपको लगे कि बाइंडिंग में थोड़ा मसला होगा तो आपने इस्पिगोल का छिलका जो है वो थोड़ा सा और डाल देना। तरह से नॉर्मल आटे की तरह हम गूंद लेंगे इसको। देखेंगे सारा आटा जो है आपस में ये जुड़ गया और नाइस सी डो बन गई है। इसको मैं आधे घंटे के लिए रेस्ट दूंगी, कवर करके रख दूंगी, और आधे घंटे बाद हम इसको फिर डिवाइड करेंगे पोर्शंस में। यहाँ पर मैंने डो के 4 बॉल बना लिए, 4 पोर्शन में मैंने डिवाइड कर लिए इक्वल साइज़ के। और इस बाउल में मैंने 1 खाने का चम्मच गार्लिक को बारीक चॉप करके 1 टेबलस्पून मक्खन में डालकर अब इसको माइक्रोवेव में मेल्ट करूँगी ताकि हम अपने नान के ऊपर लगा सकें। देखिए मैंने इसको माइक्रोवेव में मक्खन को मेल्ट कर लिया है, बीच में गार्लिक और कोरिएंडर डाल के रख लिया है। अब अपने नान रोल करते हैं। ये मैंने पार्चमेंट पेपर के ऊपर रखूँगी ऐसे, इसको ऐसे प्रेस करना, इसको ऐसे। इसको गोल शेप देने के लिए कोई भी आपके पास कोई प्लेट है, किसी पैन का कवर है, कुछ भी आप कर ले, इस तरह भी बना सकते हैं। आपको खूबसूरत लगने के लिए आप इसको थोड़ा सा गोल शेप देंगे तो अच्छा लगेगा।
शेप भी आ गई है और ये और बाइंडिंग देखें कितनी अच्छी हुई है कि बिल्कुल टूट भी नहीं रहे। अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि हम कोकोनट फ्लोर की जो रोटी बनाते हैं वो हमसे टूट जाती है। और ये देखें जब तक ये पकता है मैं दूसरे रोल करती हूँ आपके सामने। ये देखिए बिल्कुल आराम से आप इसी डो को यूज़ करके पराठे बना सकते हैं। इसको वही तरीके से इसको मैं प्रेस करूँगी, थोड़ा साइडों से मैं उतार लूँगी। वो भी आपके पास कोई डोनर कटर है कुछ, किसी से भी आप ना इसको बना सकते हैं। ये देखें हमारा नान एक साइड से पक गए, दिखाती हूँ आपको। ये देखें अब मैं इसके ऊपर गार्लिक बटर लगाऊंगी। आप चाहें तो पका के उसके बाद भी लगा सकते हैं, इस तरह इसके अंदर तक जो है इसकी टेस्ट और स्मेल चली जाएगी, अच्छा लगेगा आपको। अब मैं इसको साइड चेंज करूँगी। बिल्कुल हल्की आंच पे पकाना है क्योंकि ये जो आलमंड फ्लोर या कोकोनट फ्लोर की रोटियां जो होती हैं वो एकदम से हीट पकड़ लेती हैं, फौरन जो है ना वो जल जाती हैं। तो आपने ध्यान रखना है हमारे नान जो है वो जले ना। ये देखें हमारा एक नान और रोल हो गया। इसी तरह आपने सारे बना के तो इसी तरह पकाना है। ये मैंने दिखाती हूँ आपको, हल्का हल्का प्रेस करना है, ज़्यादा नहीं करना आप। ये देखें टूट भी नहीं रही और कितना नाइस लुक आ रही है इसके ऊपर। इसी तरह मैं सारे नान बनाती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ।